नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस समय बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनको कि अभी तक पता नहीं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है या प्रार्थना कैसे करें, ये बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रार्थना करना है। प्रभु येशु ने हमें किस तरीके से प्रार्थना करना सिखाया है और वो किस तरीके से प्रार्थना करता था। तो आइए हम वचन निकालते हैं, फिलिप्पियों अध्याय 4 पद संख्या 6, जिसमें लिखा है, किसी बात की चिंता ना करो। आपके जीवन में कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या हो, चिंता ना करो, हर जरूरत में प्रार्थना करो और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करो। जो भी आपके जीवन में समस्याएँ चिंताएँ हैं, जो भी घटी कमी है, उसको धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत करो। ना कि पहले जाके प्रभु को यही सारी चीज़ें बता देना है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये घटी कमी, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्तों। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको पहले साइड में रखना है, पहले प्रभु को धन्यवाद करना है, अपने आप को नर्म करना है, प्रभु के सामने दीन करना है, उसकी धन्यवाद करना है, महिमा करना है। उसके बाद अपनी विनतियों को, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी घटी कमी है, जो आपकी चिंता है, बाद में उसको प्रभु के सामने प्रस्तुत करना है, तभी प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आइए हमको प्रभु यीशु किस तरीके से प्रार्थना करना सिखाते हैं, चलिए देखते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु हमें किस तरीके से प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो हम निकालते हैं संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 5, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु कहते हैं कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना ना करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं, लोगों के सामने धर्मी बनना चाहते हैं, वो लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं, उसके सामने प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रभु यीशु हमें कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। तो मेरे दोस्तों, प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाकर अपने दरवाजे को बंद कर लो, तब तुम प्रार्थना करो, क्योंकि पिता जो है, पिता परमेश्वर जो है, वो एकांत को भी देखता है, वो हर जगह उपस्थित है, वो हर एक चीज़ों को, हमारे हर एक मन की बातों को, हमारे भविष्य को जानता है। तो वो एकांत को भी देखता है, वो आपको पुरस्कार देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो अपने कमरे में जाकर दरवाजे लगाकर प्रार्थना करें, तभी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु इस तरीके से हमको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं और प्रभु बताते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट्टा नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार आप प्रार्थना क्या करो। प्रभु यीशु क्या बताते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से, रट्टा लगाने से प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक दो घंटे तीन घंटे प्रार्थना करें और एक ही बात रटते जाएं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रभु हमें जिस तरीके से प्रार्थना करने सिखाते हैं वो यह है, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु किस तरीके से प्रार्थना करने बताते हैं। सबसे पहले हमको प्रभु के सामने, पिता परमेश्वर के सामने जाना है और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करना है और प्रभु की इच्छाएं को मांगना है। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु की इच्छाएं को हम अपने जीवन में मांगना है कि हमारे जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जिस तरीके से स्वर्ग में प्रभु की इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी हो। इस पृथ्वी पर हम लोग हैं, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छाएं पूरी हो। हमको इस तरीके से प्रार्थना करना है, बोलना है प्रभु को कि प्रभु जिस तरीके से स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे जीवन में भी पूरी हो आपकी इच्छाएं। और क्या बताते हैं, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। इस तरीके से हमको प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु से अपने आहार, अपने भोजन को मांगना है, रोज दिन के भोजन को मांगना है प्रभु यीशु से। और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु क्या बताते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कर। इस तरीके से हमको प्रभु के सामने बोलना है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, जिस तरीके से हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया। हम लोगों को भी अपने अपराधियों को, जो मतलब हमको गुस्सा दिलाते हैं या कोई हानि पहुँचाते हैं,
हम उसको क्षमा करते हैं, वैसे ही प्रभु ही हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। जैसे ही हमको प्रभु यीशु से मांगना है, बोलना है कि प्रभु हमारे अपराधों की भी क्षमा कर, क्योंकि हमने भी दूसरों को क्षमा किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब भी कोई आपके खिलाफ कुछ भी करे तो आप उनको क्षमा करें। प्रभु हमको इस तरीके से बताता है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। प्रभु यीशु क्या कहने के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर से, कि पिता परमेश्वर से हमको विनती करना है कि प्रभु हमें हर एक परीक्षाओं से बचा के रख, हमें हर एक पापों से बचा के रख, हमें हर एक मतलब परीक्षाओं से बचा के रख, ताकि हम उन परीक्षाओं में पढ़कर कोई भी पाप न कर बैठे। प्रभु यीशु से हमको ये मांगना है, ये विनती करना है कि प्रभु हमको हर एक परीक्षाओं से बचा के रख, हम आपके मार्गों पर चले प्रभु, हमें कोई शैतान बहकाने न पाए, हमको हमसे कोई बुराई करवाने न पाए। इस तरीके से हमको पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो आपको इस तरीके से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु हमें इस तरीके से प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो आप इसी तरीके से रोज प्रार्थना करें। पहले प्रभु का धन्यवाद करना है, फिर अपने जीवन में प्रभु की इच्छाएं को मांगना है कि प्रभु हम आपकी इच्छाएं पर चले। फिर क्या कहते हैं, प्रतिदिन का भोजन मांगना है, रोज दिन का भोजन मांगना है प्रभु से। अपनी जरूरतों को मांगना है प्रभु से, जो भी जरूरतें आपके जीवन में है उन सारी जरूरतों को अपने जीवन में मांगना है। फिर हमारे अपराधों को क्षमा कर, मतलब फिर अपने अपराधों, जो भी आप अपने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उनकी क्षमा को मांगना है, पछताव करना है। और उसके बाद है परीक्षा में न डाल, प्रभु से विनती करना कि हमें हर एक परीक्षाओं से बचा के रख, ताकि हम कोई पाप न करें, आपके रास्तों पर आपके वचनों पर चले। आप इस तरीके से प्रार्थना करके देखिए, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा और आपकी हर एक जरूरतों को भी पूरी करेगा, और आपकी हर एक मतलब जो भी आपके जीवन में चिंताएं समस्याएं प्रभु सारे पूरे करेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग भी जान पाए, लोग भी प्रार्थना करने के लिए सीख पाए। सबों को जय मसीह की।